Hello students and welcome to my channel. My name is Dr. Khushwant Kaur and I will be your instructor for this video. This video is for B.Ed students on the course Knowledge and Curriculum, and the topic covered in this video is Types of Knowledge. After watching this video, you will understand the concept behind Types of Knowledge. I'll try to make you understand better with the help of examples which will further enhance your understanding. So, let's begin the video. The topics which will be covered in this video are listed below. Let's begin the topic, that is types of knowledge. हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में नॉलेज के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश की है. आज हम नॉलेज के वेरियस टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इस प्रकार हैं: परा एंड अपरा नॉलेज, अप्रियोरी एंड अपोस्टीरियोरी नॉलेज, टैसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नॉलेज, प्रोपोजिशनल एंड नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज. परा एंड अपरा नॉलेज. मुंडका उपनिषद के अनुसार नॉलेज को दो कैटेगरीज में रखा गया है, परा विद्या और अपरा विद्या. परा नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ सेल्फ. परा मीन्स हाइएस्ट पॉइंट, जो कि स्पिरिचुअल नॉलेज की ओर अग्रसर होने में हेल्प करता है. परा नॉलेज मेडिटेशन के जरिए स्पिरिचुअल पाथ पर चलकर परमात्मा अर्थात ईश्वर में लीन होने का रास्ता बताता है. परा नॉलेज को सुप्रीम नॉलेज की श्रेणी में रखा गया है. इसके विपरीत अपरा नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. अपरा नॉलेज सेंसेस के जरिए इस संसार के बारे में ज्ञान अर्जित करने का जरिया है, अर्थात अपरा नॉलेज फिजिकल वर्ल्ड को समझने में मदद करता है. अपरा नॉलेज को लोअर लेवल ऑफ नॉलेज की श्रेणी में रखा गया है. परा नॉलेज स्वयं को यानी ईश्वर के अंश को जानने का जरिया है, और इसके विपरीत अपरा नॉलेज फिजिकल वर्ल्ड को जानने का एक जरिया है. अप्रियोरी एंड अपोस्टीरियोरी नॉलेज. अप्रियोरी मीन्स फ्रॉम वॉट इज बिफोर एक्सपीरियंस. अप्रियोरी नॉलेज इननेट आइडिया से रिलेटेड है, जो बताता है कि सेंस एक्सपीरियंस से पहले ही माइंड में आइडियाज एंड थॉट्स विद्यमान रहते हैं. अप्रियोरी नॉलेज में नॉलेज एक्विजिशन एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग द्वारा होता है. अपोस्टीरियोरी मीन्स फ्रॉम वॉट इज आफ्टर एक्सपीरियंस. अपोस्टीरियोरी नॉलेज सेंस परसेप्शन कॉन्सेप्शन से रिलेटेड है, जो बताता है कि सेंसेस के द्वारा नॉलेज एक्वायर किया जाता है. अप्रियोरी नॉलेज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद करता है. इसके विपरीत अपोस्टीरियोरी नॉलेज एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है. टैसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज. टैसिट नॉलेज स्किल्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है, जिनको लिखकर व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, और इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करना भी बहुत मुश्किल है, जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, बांसुरी बजाना, पियानो बजाना. टैसिट नॉलेज नो हाउ टर्म के अंतर्गत आता है, जिसमें व्यक्ति की एक्सपर्टीज का पता चलता है कि वह व्यक्ति उस फील्ड में कितना एक्सपर्ट है, और उन स्किल्स को लिखकर बताना या समझाना बहुत ही मुश्किल है. एक्सप्लिसिट नॉलेज नॉलेज एक्सप्रेस करने से रिलेटेड है. एक्सप्लिसिट नॉलेज को लिखकर बोलकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, और स्टोर करके भी रखा जा सकता है. एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स, एनसाइक्लोपीडियाज, टेक्स्ट बुक्स, मीडिया आदि आते हैं. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि माँ की फेमस रेसिपी कैसे बनाई जाए. माँ कुकिंग में एक्सपर्ट है, तो उनके नॉलेज को टैसिट नॉलेज के अंतर्गत रखेंगे. माँ ने रेसिपी बनाने की विधि बताई और बेटी ने सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए रेसिपी बनाई, लेकिन जब टेस्ट किया तो पाया कि जैसी माँ इस डिश को बनाती है वैसी नहीं बनी है, कुछ ना कुछ मिसिंग है. तो जो कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है वह माँ की स्पेशलिटी है, और इसे टैसिट नॉलेज कहा जाएगा, क्योंकि इस नॉलेज को माँ ने एक्सपीरियंस से गेन किया है और इसे आसानी से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. एक एक्सपीरियंस्ड टीचर का नॉलेज टैसिट नॉलेज के अंतर्गत आएगा, वहीं एक न्यू टीचर का नॉलेज एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंतर्गत आएगा.
डायरेक्ट और सेल्फ नॉलेज एंड इनडायरेक्ट और लॉजिकल नॉलेज। डायरेक्ट नॉलेज को नॉलेज बाय एक्वेंटेंस भी कहा जाता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आकर अपनी सेंसेस के द्वारा उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है तो वह डायरेक्ट नॉलेज कहलाता है। इनडायरेक्ट और लॉजिकल नॉलेज में रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रीजनिंग के द्वारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कंक्लूजन्स पर पहुंचा जाता है, तब वह नॉलेज इनडायरेक्ट नॉलेज कहलाता है। प्रोपोजिशनल एंड नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज। प्रोपोजिशनल नॉलेज फैक्ट से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत नोइंग दैट एस्पेक्ट आता है। प्रोपोजिशनल नॉलेज को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में व्यक्त किया जाता है। अप्रियोरी नॉलेज प्रोपोजिशनल नॉलेज के अंतर्गत आता है, क्योंकि दोनों ही टाइप के नॉलेज रीजनिंग के जरिए वैलिड कंक्लूजन्स पर पहुंचने में मदद करते हैं। यह थ्योरेटिकल नॉलेज है, क्योंकि इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना जाता है। नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज को प्रोसीड्यूरल नॉलेज भी कहा जाता है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज नोइंग हाउ एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जहाँ पर वेरियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके किसी भी कार्य को किया जाता है। यह प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि इसके अंतर्गत लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा नॉलेज एक्विजिशन होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्लास में एमएस एक्सेल पर लर्नर्स को टेबल बनाने से रिलेटेड वेरियस स्टेप्स को समझाया गया है। ये प्रोपोजिशनल नॉलेज के अंतर्गत आएगा। जब स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली एमएस एक्सेल पर टेबल को बताए हुए वेरियस स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे, तो ये नॉलेज प्रोसीड्यूरल नॉलेज कहलाएगा। वी कंक्लूड द वीडियो विद पॉइंट्स टू रिमेम्बर। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में जाना, जिसमें हमने पारा एंड अपारा नॉलेज, अप्रियोरी एंड अपोस्टीरियोरी नॉलेज, टैसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नॉलेज, प्रोपोजिशनल एंड नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज के बारे में डिस्कस किया और नॉलेज के थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में जाना। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही एस्पेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनेट आइडियाज और सेंस एक्सपीरियंस दोनों ही नॉलेज कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि नॉलेज कंस्ट्रक्शन में सेंस परसेप्शन के लिए प्रीवियस नॉलेज बेस बन जाता है और उसी बेस पर न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।